नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। गंगाराम हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर डीएस राणा ने कहा कि रेमडेसिविर दवा का कोरोना के मरीजों पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं दिखा है, इसलिए जल्द ही कोरोना मरीजों के इलाज में इसके इस्तेमाल को बंद किया जा सकता है। इससे पहले भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी को लेकर कहा था कि प्लाज्मा थेरेपी का कोरोना मरीजों के स्वास्थ्य पर कोई सकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिला है, इसलिए इसका उपयोग बंद कर देना चाहिए। वहीं गंगाराम हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर डीएस राणा ने आगे कहा कि प्लाज्मा थेरेपी में हम किसी ऐसे व्यक्ति को प्री फॉरवर्ड एंटीबॉडी देते हैं जो पहले संक्रमित हो चुका है, ताकि एंटीबॉडी वायरस से लड़ सके। आमतौर पर एंटीबॉडी तब बनते हैं जब कोरोना वायरस हमला करता है। हमने पिछले साल देखा है कि प्लाज्मा देने से मरीज और अन्य लोगों की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता और ये आसानी से उपलब्ध भी नहीं होता। प्लाज्मा थेरेपी वैज्ञानिक आधार पर शुरू की गई थी और सबूतों के आधार पर बंद कर दी गई। दरअसल उन्होंने आगे कहा, अगर हम कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अन्य दवाओं की बात करते हैं तो रेमडेसिविर के बारे में ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जो ये बताते हों कि ये कोरोना के इलाज में प्रभावी हैं। जिन दवाओं से कोई फायदा ही नहीं हो रहा है उन्हें बंद करना होगा। इस समय कोरोना के इलाज में केवल 3 दवाएं कारगर है। आपको बता दें, डॉक्टर राणा ने आगे कहा कि अभी हम सभी जांच और निगरानी कर रहे हैं, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग और जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक हम इस महामारी के बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल करेंगे, मुझे लगता है कि तब तक ये खत्म हो जाएगा। मालूम हो कि ICMR द्वारा 17 मई को जारी किए गए दिशा निर्देश के बाद कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।